अभी हम हरिद्वार में शिवालिक नगर में यहाँ एक बहुत ही अद्भुत चित्र प्रदर्शनी लगी है, 75 स्वतंत्रता सेनानियों की चित्र प्रदर्शनी। अरुण कुमार पाठक जी जो मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक हैं, उन्होंने एक अपने अथक प्रयास से स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर 12 और 13 अगस्त को ये पेंटिंग एग्जीबिशन चित्र प्रदर्शनी जो है यहाँ लगाई हुई है। चलिए वह मंदिर चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं। ये कोलकाता से सोभिता नाग खुदीराम बोस की माता को खुदीराम बोस द्वारा लिखा गया पत्र को चित्रित किया यहाँ। और आप यहाँ देखिए पीर अली खां, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, कालू सिंह मिश्रा, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्ण जी, गुलाब कौर, मंगल पांडे, कस्तूरबा गांधी, राज कुमारी गुप्ता, लाला लाजपत राय, महारानी दुर्गावती, उषा मेहता, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अब्दुल गफार खान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोविंद वल्लभ पंत, नानाजी राव पेशवा, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, अतुरी सीताराम राजू, झांसी की रानी, श्री देव सुमन, बहुत ही सुंदर स्केचिज हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का, मैं ऋषि अरविंदो, वल्लभ भाई पटेल, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, गुलाब कौर 1890 से 1931। इसी प्रकार से 75 स्वतंत्रता सेनानियों को लिए कार्यक्रम किया गया था, लेकिन इस प्रदर्शनी में 85 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र आ चुके हैं। ये देखिए बेगम हजरत महल का कितना सुंदर चित्र यहाँ बनाया गया है, आर डी पांडे, वेलु नचियार, हमारी वीरांगना दक्षिण भारत की, राम मनोहर लोहिया, रानी दुर्गावती और आचार्य विनोबा भावे, सुखदेव थापर, कस्तूरबा गांधी, दादा भाई निरोजी, बच्चों द्वारा भी बनाए गए यहाँ हैं, बिरसा मुंडा, अंबिका चक्रवर्ती। इस प्रकार से सभी आयु वर्ग के कलाकारों ने इस प्रदर्शनी में अपना योगदान दिया है।
भारत की आज़ादी के 76 वर्ष पूरे होने से पूर्व ये प्रदर्शनी हरिद्वार में यहाँ लगाई गई है। अभी इसके बारे में हम पाठक जी से आपकी बात भी करवाते हैं, कैसा अनुभव रहा और इसको सभी लोग आके देखें। और ये सचमुच में कलाकारों द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि है अपने शहीदों के लिए। नमस्कार पाठक जी, आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, तो ये कैसे विचार आया इसके ऊपर ये करने का और कितना कैसा अनुभव रहा आपका, ये बताएं जी। विचार के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि आपको ये ध्यान होगा कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था और देश एक तरीके से पूरा विश्व जी वैश्विक आपदा को झेल रहा था जी, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये आग्रह किया था कि आप जो है इस आपदा को अवसर में बदलिए, और उसी के अंतर्गत मैंने खुद इसको सुनने के बाद, और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक कहा था कि आप 75 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इकट्ठा कीजिए, उनके ऊपर छोटी छोटी कविताएँ लिखिए और उन्हें एक पुस्तक का रूप दीजिए। तो लगभग 2 साल लगाने के बाद वो प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ है और आज़ादी के परवाने के नाम से वो पुस्तक आपके हाथ में है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसी क्रम में कि उस पुस्तक ने एक विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, जिसके लिए अभी एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था जिसमें उस पुस्तक का सम्मान किया गया था। उसी पुस्तक से प्रेरणा लेकर के ये विचार आया कि जब हमारे पास कलाकार हैं, गैलरी है, हमारे यहाँ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एक 75 स्वतंत्रता सेनानियों की एक पोर्ट्रेट एग्जीबिशन लगाएं। इससे ये फर्क पड़ेगा कि लोगों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, खासतौर से अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और यहाँ के जो कलाकार हैं वो भी, उनको भी एक मंच मिलेगा और आगे के लिए उनकी राह खुलेगी। ये देखते हुए इस प्रदर्शनी का हमने 2 दिन के लिए आयोजन किया है, आज इस प्रदर्शनी का समापन है, 2रा दिन है। और इस प्रदर्शनी में हमारे हरिद्वार के अलावा रुड़की, ऋषिकेश, देहरादून, मुजफ्फरनगर और कुछ कलकत्ता से भी हमारे पास हैं, कुछ और प्रांतों से भी यहाँ पर आए हैं, वो हमने इसमें एक्सीक्यूट किए हैं। तो अभी ये हमें 76 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आज़ादी के, अभी और भी कई कार्यक्रम होंगे, तो क्या योजना है इस प्रदर्शनी को उन कार्यक्रमों में भी लगाने की है जो जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाएंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास इस बहाने से तकरीबन 50 से भी ऊपर कलाकार हैं, और जहाँ भी उन कलाकारों को आग्रह किया जाएगा उन कलाकारों के लिए अवसर होगा और उन्हें खुशी होगी, क्योंकि कल भी हम 2 जगह एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, सुबह भी लगाने जा रहे हैं, शाम को भी लगाने जा रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता है। ये प्रदर्शनी कई जगह लगाई जाएगी, 75 कलाकार है, मैं चाहता हूँ 75 स्थानों पर लग जाए प्रदर्शनी अगले आने वाले 1-2 महीनों में। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परिधि आर्ट ग्रुप की तरफ से भी निर्मल रतनलाल वैद आपका स्वागत करता हूँ, और मैं भी प्रयास करूँगा कि आपकी प्रदर्शनी में दिल्ली में, देहरादून में, कुछ ऐसे स्थानों पर लगाएं, मुजफ्फरनगर में लगाएं, जो हमारे पास संस्कार भारती के माध्यम से हमें गैलरी मिली हुई हैं, तो उन सब में इसको प्रदर्शित किया जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे कलाकार आपको पूरी मदद करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने देखा, मैं मेरे चैनल परिधि आर्ट ग्रुप के साथ आप जुड़े रहें, इस प्रकार से आप भी इस प्रदर्शनी को अगर अपने क्षेत्र में, आपकी अपनी कोई गैलरी है, पूरे देश में कहीं लगाना चाहेंगे तो आप इसको लगा सकते हैं, हमारे सभी कलाकार आपको सहयोग करेंगे। केवल इन पेंटिंग्स को आप तक पहुंचाना है और वापस आप करें, आप जितने दिन इसको लगाना चाहें इसको लगाएं, यही मेरा आप सबसे आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। भारत की आज़ादी के अवसर पर मैं आप सबको वंदन करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इस एग्जीबिशन में एक कलाकार हमारे साथ हैं, दीपक गुप्ता जी, जिन्होंने ये पोर्ट्रेट बनाया है। मैं पोर्ट्रेट आपको दिखा दूं, राजकुमारी गुप्ता, पेंसिल स्केच है दीपक जी द्वारा। दीपक जी, आप कब से पेंटिंग के क्षेत्र में हैं? 3-4 साल से पोर्ट्रेट ही बनाते हैं। तो आपको कैसी लगी पूरी एग्जीबिशन? ये अच्छी लगी, एक तरीके से जिन स्वतंत्रता सेनानी को हम जानते तक नहीं थे, हाँ जी,
एग्जीबिशन के थ्रू हमें जानने का मौका मिला। जैसे मैं राजकुमारी गुप्ता को नहीं जानता था, जब मैंने उसे ड्रॉ किया कि पोर्ट्रेट को, तो मुझे पता चला उनके बारे में इंफॉर्मेशन कि ये भी हमारे फ्रीडम में इनका भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट था। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को हम जानते तक नहीं है, बट इस एग्जीबिशन के थ्रू हमें उन लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। ये बिल्कुल हमारे चित्रकारों द्वारा एक श्रद्धांजलि भी है उन सभी शहीदों के नाम से जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपना अपना योगदान दिया। देखिए हम ऐसे तो कॉमन जैसे गांधी जी होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, उनको तो हम अच्छे से जानते हैं, बट ऐसे बहुत से स्वतंत्र सेनानी जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता और ना ही हमने उनके बारे में किताबों में पढ़ा है। तो इसके एग्जीबिशन के थ्रू हमें उन लोगों के बारे में पता जिनका नाम तक भी नहीं, उनका नाम का भी जिक्र नहीं होते इन पर, जो बिल्कुल गुमनामी के अंधेरे में रहे हैं। तो इसके थ्रू मुझे राजकुमारी गुप्ता के बारे में पता चला कि इनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट था हमारे फ्रीडम में। कुछ और आगे भी काम करना चाहते हैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर? अगर मुझे मौका मिला तो मैं पक्का करूँगा, कोई दो राय नहीं है कि मुझे अगर काम मिलता तो मैं पक्का इस चीज़। आप एक सीरीज बनाइए, हम आपको नाम और फोटोग्राफ भी इकट्ठे करके देंगे। हमारे पास 450 क्रांतिकारियों की पूरी जानकारी है, चित्र भी हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो मैं इस काम को मैं बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कार्य है आपका, धन्यवाद। ये हमारी बिटिया सुदीक्षा सिंह है। सुदीक्षा ने ये दोनों पोर्ट्रेट बनाए हैं, यही हमें इनके बारे में बताएंगी। बीडी पांडे और वेलु नचिया, ये दक्षिण भारत की हैं। चलिए आप नवीं कक्षा में पढ़ती हैं बिटिया, बताओ इनके बारे में कैसे जानकारी मिली जो आपने ये अननोन क्रांतिकारियों को पोर्ट्रेट बनाया? ये वेलु नचिया जो है हमारी एक पुस्तक है जिसका नाम है कि आज़ादी के परवाने, उसमें से इनके बारे में जानने को मिला, फिर इनके बारे में और खोजा। और इनकी सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इन्हें सबसे बहादुर महिला कहा जाता है। क्या और वीडी पांडे जी हमारे उत्तराखंड से ही थे जी, और पार्लियामेंट में इनके मेंबर थे, और सबसे पहली आर्मी थी जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था। बहुत बहुत बहादुर थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बिटिया। तो आप पेंटिंग कब से सीख रही हैं? सीख नहीं रही हूँ, मैं खुद करती हूँ बचपन से। बचपन से कर रही हैं, सेल्फ टॉट है, अभी तक कोई इसमें फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है? नहीं, लेकिन लेना चाहूँगी। बिल्कुल लेना चाहिए, आपका काम बहुत सुंदर है। अगर आप बिना किसी गुरु के, बिना ट्रेनिंग के इतना अच्छा बना लेती हैं, आप भविष्य में बहुत आगे जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, इसी प्रकार से आप और अच्छा काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।